कर अपनी दुल्हनिया को लेकर जाने के लिए फाइनली दिलवाले आ ही गए सीजन 11 रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 11 के सेट पर। बीते रविवार को शादी का कार्यक्रम रखा गया था द इंडियन आइडल सीजन 11 के सेट पर शो की होस्ट नेहा कक्कड़ और शो के एंकर आदित्य नारायण के बीच। इस शो के होस्ट और एंकर के बीच की शादी का वो समारोह जिसे लेकर पूरी की पूरी फैमिली एक्साइटेड थी। तमाम बॉलीवुड सितारे और टीवी टाउन के सितारे, उनके पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जितने भी फैंस हैं, सबने नेहा आदित्य की शादी को नेहा आदित्य की शादी का नाम दिया। इन दोनों की जोड़ी को नेहा आदित्य का नाम दिया और इनके वेडिंग्स पर तमाम इनकी फोटो शेयर कर इन्हें जमकर बधाइयां भी दी गई। पहले तो उदित नारायण ने सवाल का जवाब देकर हर अफवाहों का खंडन किया कि नेहा आदित्य की शादी रियल में नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए शो के कंटेंट को इस तरह पेश किया गया है। जिसके बाद आदित्य नारायण ने भी इसे लेकर बात की। उन्होंने कहा कि अभी उनकी अगर शादी होगी तो वो सबको बताएंगे। तो भाई यहाँ पर घोड़ी चढ़कर आए आदित्य नारायण ने शादी के वक्त बारातियों के बीच नाचते हुए नेहा कक्कड़ के साथ शादी के रस्म को जिस तरह निभाया, जयमाला से लेकर शादी के हर रस्म को जिस तरह निभाया है, ये देखकर कई लोग हैरान रहे। शादी के मंडप पर इनकी शादी की तमाम जो ग्लिम्स थी वो शेयर की गई। तो शादी की वो ग्लिम्स हम आपके बीच शेयर करेंगे, नेहा कक्कड़ और आदित्य की शादी की, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी बनकर किस तरह से नजर आए शो की टीआरपी को और भी ज्यादा लंबी चौड़ी उछाल दिलाने के लिए। तो इंतजार किस बात का है दर्शकों, आइए हमारे स्पेशल प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं नेहा और आदित्य की शादी की वो आलीशान झलक जो कि शो इंडियन आइडल सीजन 11 के सेट पर से हो गई है बेहद तेजी से सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर वायरल। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वेल, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, यहाँ आप सभी के बीच हम बात कर रहे हैं नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण के बारे में, उनकी शादी के बारे में, उनसे जुड़ी आई हर खबरों के बारे में हम कर रहे हैं यहाँ पर जिक्र। चलिए हम आपको बता दें जो खबरें हैं बेहद इंटरेस्टिंग वो आखिर में क्या है। सोशल मीडिया पर आई इन सभी खबरों के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेहा और आदित्य की शादी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेहा और आदित्य की शादी में बाराती लेकर पहुँचे जब आदित्य नारायण, तो शादी के दौरान स्टेज पर इंडियन आइडल सीजन 11 के स्टेज पर आदित्य और नेहा किस तरह से भिड़ गए ये देखकर आपको ज़रूर लगेगा झटका, क्योंकि ये तस्वीरें कर रही हैं इशारा। गाना गाते हुए ये दोनों एक दूसरे को दे रहे थे टक्कर। आदित्य नारायण शॉक्ड भी थे, फैंस भी ये देखकर शॉक्ड हो गए। घोड़ी पर सवार होकर जो आदित्य डांस करते हुए बारात लेकर अपने दुल्हन के पास पहुंचे, मंडप पर फेरे के बाद जो दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बनने के लिए रस्म रिवाज के अनुसार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को पेश कर रहे थे, आदित्य ने जमकर बारातियों के बीच डांस किया तो भला नेहा कैसे पीछे रहे। नेहा भी दुल्हन बनकर जमकर डांस करती नजर आई शादी के बीच। अचानक डांस के बीच हो गई इनकी बुरी तरह भिड़ंत और ये तस्वीरें हैं उसी भिड़ंत का गवाह जो हम आपके बीच पेश कर रहे हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। देख ही सकते हैं आप नेहा और आदित्य किस तरह से कर रहे हैं डांस और किस तरह इनकी खुशी साफ साफ नजर आई है एक दूसरे के साथ डांस करते हुए, क्योंकि ये दोनों डांस करते हुए बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आए हैं। वल ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण को लेकर, उनसे जुड़ी हमने आपको स्पेशल अपडेट दी है। नेहा और आदित्य की शादी की तमाम तस्वीरें जो वायरल हुई है वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। शादी जयमाला से लेकर सात फेरा और इनका एक दूसरे के साथ मिस्टर एंड मिसेस बनना किस तरह से हुआ तय ये आपने देखा, जहाँ पर इनकी शादी के चश्मदीद बनकर सामने आए हिमेश रेशमिया अपनी पत्नी के साथ। शो की बाकी जज और बाकी के कंटेस्टेंट्स जो थे वो बन गए थे बाराती। फैमिली वेलफेयर नहीं बल्कि यहाँ पर प्रोफेशनल टीम का वेलफेयर चला इनकी शादी के वक्त। दोस्तों अब लेंगे यहीं पर इजाजत, देखते रहें टीवी टाउन की हर एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।